नमस्कार, आज देश और दुनिया की खबरें ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अभी अभी 2020 वर्ल्ड कप 2024 खत्म हुआ है और आ गई अगले 2020 वर्ल्ड कप 2026 की खबर। अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के पास अगली बार भी ट्रॉफी जीतने का सुनहरा अवसर रहेगा। अपनी मेजबानी में इस बार की तरह अगले 2020 वर्ल्ड कप 2026 में टोटल 20 टीमें हिस्सा लेगी और कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे। 2026 में होगा सुपर 8 वाला फॉर्मेट। अगला वर्ल्ड कप फॉर्मेट भी इसी तरह रहेगा। अगली बार भी पांच पांच टीमों के चार ग्रुप होंगे। हर ग्रुप में दो दो टीमें सुपर 8 में एंट्री करेगी। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल। आपको ये बता दें कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमें तय हो चुकी हैं। अब सिर्फ 8 टीमों का इंतजार है। बाकी 8 टीमों के अगले 1.5 साल के क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेले जाएंगे, उसके बाद बाकी की टीमों की घोषणा की जाएगी। चलिए, कौन सी 12 टीमों ने डायरेक्ट एंट्री की है उसके बारे में जानते हैं। मेजबान होने के नाते भारतीय टीम और श्रीलंका को डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है। बाकी टीमों में 2020 वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 राउंड से ली गई है। टीम इस प्रकार है: अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। इस तरह कुल 9 टीमें हो गई है। चलिए, अभी रुक करते हैं कल के भारत के जिम्बाब्वे 2020 मुकाबले के बारे में। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 2020 मैच में बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 116 रन का टारगेट मिला था, लेकिन वह इस छोटे से टारगेट को भी हासिल नहीं कर पाई और आईपीएल के शेर हो गए ढेर। आज के मुकाबले में मेजबान जिम्बाब्वे 113 रनों से जीत हासिल की। मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 116 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन इस छोटे टारगेट के सामने पूरी भारतीय टीम 19.5 ओवर में 102 रन ही बना पाई। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब ने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल दुबे से की मुलाकात। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर लौट गई है। इस बीच रोहित शर्मा समेत महाराष्ट्र के चार खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। मुंबई में संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बॉलीवुड के सितारे पहुंचे, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, बाकी कई सितारे, नामी नमामी सेलिब्रिटी वहां पर पहुंची है। संगीत सेरेमनी के बीच नीता अंबानी ने 2020 के हीरो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या और पूरी टीम इंडिया को भावुक होते हुए बधाई